साथियों, ये जुगाड़ आप घर पे उपयोग करिए और लोगों को भी बताइएगा। ये कैपेसिटर से एलईडी बल्ब को जलाएंगे और एलईडी बल्ब की लाइफ को बढ़ाएंगे। चलिए, टेक्निकल एसके लाइट। तो साथियों, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया है और इसमें ये दो वायर रहते हैं। इस प्रकार से कैपेसिटर हो गया है। अब यहाँ पर हम एक होल्डर बना लेते हैं जिसमें हम एलईडी बल्ब को लगाएंगे। और ये दोस्तों, हमारी कलर तो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो एलईडी बल्ब होल्डर में लगा हुआ तैयार हो गया है। अब हमारी दोस्तों आवश्यकता क्या रहेगी इसमें करंट की। तो यहाँ पर 220 वोल्ट एसी करंट आएगा। ये देखिए, 220 वोल्ट जो एसी करंट है, यहाँ से दो वायर निकलेंगे और एक बार जो है वो हमारा डायरेक्ट होल्डर में आ जाएगा सीधा बिल्कुल। और इसके बाद एक जो वायर निकलेगा वो आएगा पहले कैपेसिटर में और कैपेसिटर से होते हुए होल्डर में पहुँचेगा। तो इस तरीके से हमें डायग्राम तैयार करना है। अब इससे लाभ होगा कि वोल्टेज कैपेसिटर को कंट्रोल करेगा। चलिए, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने एसी 220 वोल्ट में लगाया और इसको चार्ज करके डिस्चार्ज कर दिया। ये चटर की आवाज़ आई है, स्पार्किंग हुई, इसका मतलब कैपेसिटर हमारा ओके है। ये एलईडी बल्ब हो गया है, ये होल्डर हो गया है और हम इसमें एक थोड़े से वायर ले लेते हैं। तो इन उपयोगों से हम फिर इसको बनाते हैं कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों, जैसे कैपेसिटर आप कोई भी ले लो, कोई भी आप प्रयोग में कर सकते हैं जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो। और यदि कोई आपके पास फैन का पड़ा हुआ हो तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले वायर छीले। अब हम क्या करेंगे, एक वायर, कोई भी एक वायर है, कोई भी कैपेसिटर के दोनों साइड में एक तरफ से हम कनेक्शन कर देंगे। आप दोनों में से कोई भी आप वायर का कनेक्शन कर दीजिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद में हम ये वायर को हटा देते हैं क्योंकि दोनों वायर को बराबर कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके बाद में जैसे हमने जोड़ा, इसको हम टेप लगा लेते हैं ताकि वायर आपस में ना जुड़े। अब एक वायर जो है वो हम होल्डर में जोड़ लेते हैं, कोई भी दाएं बाएं कुछ भी, एक वायर को हम होल्डर में कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद में दूसरा जो वायर है वो हमारा कैपेसिटर का रहेगा। कैपेसिटर का आप कोई भी लगा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमने इसको भी बढ़िया से हम टाइट कर देंगे। ये इसमें डालेंगे और इसके बाद टाइट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारा जो होल्डर का जो कनेक्शन था वो ओके हो गया है। अब इसको हम होल्डर को कस लेंगे। इतना काम हमारा कंप्लीट है। अब दोस्तों, ये हमारा देखिए कनेक्शन कंप्लीट है, एलईडी बल्ब को हमने लगा दिया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमारे पास एक चिमटी का जुगाड़ है, इससे हम चिमटी में लगाएंगे और उसके बाद फिर प्लग में लगाएंगे तो स्पार्किंग नहीं होगी और अच्छे से ये फिट हो जाएगा। ये देखिए, बार बार निकलेगा नहीं। इस तरीके से हम लगाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम इसमें लगा देंगे। अब ये होल्डर से थोड़ा हरकत कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से। तो होल्डर को आप खींच के बल्ब को दोबारा से आप लगाइए इस तरीके से और ये बढ़िया से ओके है। तो इस तरीके से अब इसमें क्या है दोस्तों, एलईडी बल्ब की लाइफ बढ़ जाएगी। ये आपका जो एलईडी बल्ब है, ख़राब होने के चांस रहते हैं। यदि ये बार बार ख़राब हो रहा है तो इसको आप उपयोग करेंगे तो इससे एलईडी बल्ब ख़राब नहीं होगा और उसकी लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाएगी। अब इसको लगाने की बात है तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से होल्डर के ऊपर लगा सकते हैं वायर में, इसके साथ में टैप कर देंगे कुछ इस तरीके से। और यदि नहीं लगाना हो तो आप इसको बगल में भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पर बगल में लगा लेते हैं और इसमें टैप लगा कर बढ़िया इसमें इसको चिपका देते हैं इस तरीके से। ये कुछ इस प्रकार से हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपके पास कोई भी कैपेसिटर हो, इस तरीके से आप इसको कनेक्शन कर दीजिए तो एलईडी बल्ब का जो हाई वोल्टेज है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये कैपेसिटर उसको रोग प्रतिरोधक का काम करेगा और उसको ख़राब नहीं होने देगा। तो इस तरीके से बल्ब बढ़िया से सिक्योर हो जाएगा। तो ये वीडियो दोस्तों पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और इस तरह के और भी टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।